आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पढ़ेंगे। ये जानते हैं कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में अधिक डिसॉल्व करते हैं या विलेय होते हैं। कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में कम विलेय होते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर जल में हम विलेय करते हैं या घुलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड की अत्यधिक मात्रा जल में घुलनशील होती है। यही अगर हम सोडियम क्लोराइड के जगह सिल्वर क्लोराइड लेते हैं तो ये जल में अल्प मात्रा में विलेय होते हैं। तो अलग अलग सॉल्यूट की विलेयता या ये कहिए कि सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता कम होती है, इसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसको टर्म नाम देते हैं क्या, सॉलिबिलिटी या फिर विलेयता कहते हैं। जैसे मान लो कोई सॉल्यूट है, अब मान लीजिए सॉल्यूट को हम ऐड कर देते हैं किसमें, मान लो सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूट धीरे धीरे क्या होगा, ये सॉल्वेंट में घुलना प्रारंभ कर देगा और जब ये घुलेगा तो ये बनाएगा क्या, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना प्रारंभ करेगा वैसे वैसे ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होंगे, ये बढ़ना प्रारंभ होगा। और इस चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं डिसॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे क्या, डिसॉल्यूशन कहेंगे। और इसको ये डिफाइन कर सकते हो या इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, डिसॉल्यूशन कहते हैं। अब मान लो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को क्या करते हैं, घुलाना प्रारंभ करते हैं, सॉल्यूट जो होगा ये घुलते जाता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डालें और ये सॉल्यूट नहीं घुले, तो उस समय सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है वो क्या होगी, अत्यधिक होगी। और ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कल ये कहिए कि इससे पहले वाले वीडियो जो सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नाम पर हम लोगों ने बनाया था उसमें हम देखे थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, सॉल्यूट घुलेगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब और अधिक सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा और उस समय जो सॉल्यूशन होते हैं उसको नाम देते हैं क्या, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये इसको ये कह सकते हो कि इफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन या डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन कॉल्ड, इसको नाम दोगे क्या, ये देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में याद कीजिए हमने ये कहा था कि इससे जो भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है हमेशा इसमें क्या होगा, ये दो फेज होंगे। क्योंकि हमको ये कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट और अधिक सॉल्यूशन में नहीं घुलेंगे, तो जब हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालें और ये सॉल्यूट घुलने के बजाय पात्र के पेंदे में सेटल डाउन कर जाए तो हम ये कहेंगे कि अब और अधिक सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा। तो जैसे ही सॉल्यूट पात्र के पेंदे में आएंगे वैसे ही एक सॉलिड फेज क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाता है। और जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें सॉलिड और लिक्विड फेज इसके बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और ये होता है हमारा क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
ये मिलकर बना देगा, क्या सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, यानी जिस रेट से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे उसी रेट से सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट करेंगे। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन जो बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेगा, और इस फॉरवर्ड रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, ये कहेंगे डिसॉल्यूशन कहेंगे। और जब इसको बैकवर्ड रिएक्शन में चलाते हैं तो देखो सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, ये एलिमिनेट करेंगे, और इसको नाम देते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जो होगा ये ले सकते हो। इसी चीज को हम लोग आगे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन फॉरवर्ड रिएक्शन को देखो हमने क्या किया, डिसॉल्यूशन कहा, बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन कहा, और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों बराबर हो गए। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था हम इसमें कह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। और ये कहते हैं कि सीधा ये कह लो कि कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉलिबिलिटी भी कहेंगे, और इसी को नाम देते हैं सॉलिबिलिटी या फिर विलेयता भी कहेंगे, क्योंकि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, इससे अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो नहीं सकते, और इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होने के कारण सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन होगा यही कंसंट्रेशन हमारा क्या कहलाता है, सॉलिबिलिटी कहलाएगा। अब देखो सॉलिबिलिटी को अगर हम सामान्यतः देखें तो ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, तो ये देखते हैं कि और अधिक सॉल्वेंट क्या होगा, ये घुलना प्रारंभ कर देगा, या फिर अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी ये देखते हैं कि सामान्यतः सॉल्यूट के घुलने की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन करें तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन इसको भी हम क्या करें, कांस्टेंट करें, तभी हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, सपोज कीजिए कि इसके सॉल्वेंट में मान लो सॉल्वेंट है एक्स ग्राम, इसमें मान लीजिए 5 ग्राम ये हमारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हुआ, मैक्सिमम इससे अधिक नहीं डिसॉल्व हुआ। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं 100 ग्राम से बढ़ाकर 200 ग्राम कर लें, अब चाहे कि 5 से 6 ग्राम अगर डिसॉल्व कर लें तो 6 ग्राम हो जाएगा। तो जब हम इसको बढ़ाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो सॉल्यूट की मात्रा ये हमारा मैक्सिमम नहीं रहेगा, अब उसको हम सॉलिबिलिटी नहीं कह सकते। तो सॉलिबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम टेम्परेचर को भी जो होगा ये फिक्स करेंगे, और क्या कहता है मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ये फिक्स करेंगे, तभी हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा सॉल्यूशन के डिफिनेशन का कोई टर्म नहीं होगा, ये कोई फिक्स अमाउंट या फिक्स क्वांटिटी नहीं होंगे, और ना ही ये सॉल्यूट जो होंगे इसके कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सॉल्यूट जो होंगे ये जल में या सॉल्वेंट में अधिक मात्रा में डिसॉल्व है या कम मात्रा में। चलो हम 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डालें, ठीक। अब मान लो हम 1 ही ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लें, और ये कह रहे हो कि सिल्वर क्लोराइड जो होगा ये कम सॉल्युबल है, और यही जल की मात्रा अगर हम लोग मान लीजिए 5000 ग्राम ले लें, तो नेचुरल है कि 1 ग्राम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड आसानी से उसमें घुल जाएगा,
तो फिर उस स्थिति में दोनों का सॉलिबिलिटी समान हो जाएगा। तो इसलिए सॉलिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यह आवश्यक है कि टेम्परेचर को भी फिक्स करें और साथ साथ जो होगा ये कंसंट्रेशन को भी फिक्स करें। तो सॉलिबिलिटी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये हम यूज कर रहे हैं, या ऐसे करो सॉलिड के लिए यूज करें, सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, ये होगा सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो देखिए हमने टेम्परेचर को भी फिक्स कर लिया और मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को भी हमने फिक्स कर लिया, यानी 1000 ग्राम किसी भी लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट की वह मात्रा जो, क्या सॉलिड सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा जो उसमें विलेय हो, यदि तापक्रम हमारा क्या हो, नियत हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉलिबिलिटी कहते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सॉलिबिलिटी को हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और सॉलिबिलिटी को हम लोग जनरली एक्सप्रेस ये कर सकते हैं कि ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये एक्सप्रेस हो सकता है, मान लीजिए ग्राम पर लीटर में चाहे तो एक्सप्रेस कर ले, या फिर जो होगा ये मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर लें, ऐसे में हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ग्राम पर लीटर में, यानी एक लीटर में किसी सॉल्यूट का इतना ग्राम घुला है, और यही ग्राम को अगर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से भाग दे दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है क्या, ये सॉलिबिलिटी कहलाता है। अब हमने ये कहा कि सॉलिबिलिटी के लिए या सॉलिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट किया और साथ साथ जो होगा ये मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को भी जो होगा ये फिक्स किया। तो एक तो टेम्परेचर और कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो सॉलिबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ जो होगा ये हम सीधा यूज करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फैक्टर कौन कौन से कारक हैं जो सॉलिबिलिटी को इंडिकेट या जो होगा प्रभावित करते हैं, और ये यूज करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी ये स्टेट होगा हमारा क्या, सॉल्यूट का, और लिक्विड स्टेट हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का। तो ये फैक्टर सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए करेगा, ये होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहला इसका फैक्टर होता है जिसको नाम देते हो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्यूट का नेचर अलग अलग होता है, अलग अलग सॉल्वेंट के नेचर जो होंगे ये क्या होंगे, ये अलग अलग होते हैं। तो नेचर अलग अलग होने से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी जो होगी ये अलग अलग होगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको नाम देते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है क्या, समान समान को डिजॉल्व करता है। समान का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं,
ये देखिए दो प्रकार के होंगे, यूज करते हैं। एक को नाम देते हो पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट में ये होता है कि जिसमें पोल का फॉर्मेशन हो जाए, जिसमें आयोनिक कंपाउंड होंगे, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया, ये सारे जो होते हैं ये क्या होंगे, ये पोलर सॉल्यूट होते हैं। दूसरा ये होता है जिसको नाम देते हो पोलर सॉल्वेंट। दूसरा यहाँ ये लिख लो, ये होगा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो H2O हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया, ये होते हैं क्या, लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड हो गए। देखो लिक्विड अमोनिया हमने ये लिखा था, या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों जो होंगे ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब लिक्विड अमोनिया या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का ये मतलब नहीं हुआ कि अमोनिया गैस को हम पानी में डाल दें, या फिर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का ये मतलब नहीं होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम जल में डाल दें। इसका मतलब ये होता है कि हम इनके तापक्रम को कम करते जाएं। एक समय ऐसा आएगा जब ये अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड के अवस्था में आ जाता है, और उस अवस्था में इसका व्यवहार हम सॉल्वेंट के तरह करते हैं, तो ये कहलाता है क्या, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, वही पोलर सॉल्वेंट अच्छे होते हैं जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए H2O के लिए, या ये कह सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर H2O, ये होता हम 80 जो होगा इसको मानकर चलते हैं। H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी पोल के इंटेंसिटी के कारण इसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सल्फर पर पॉजिटिव होगा, ये सारे जो होंगे ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब मान लो दूसरा ये टर्म होता है कि नन पोलर सॉल्यूट। देखो जिसमें पोल का फॉर्मेशन नहीं हो, जैसे मान लीजिए ये हम लोग ले लिए आयोडीन, मान लो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा ब्रोमीन। ये सारे जो होते हैं नन पोलर सॉल्यूट होते हैं जिनमें पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और दूसरा ये होता है नन पोलर सॉल्वेंट। नन पोलर सॉल्वेंट में ये जनरली ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे मान लो ये हो गया बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, एल्कोहल हो गए, ये सारे आते हैं कहाँ, नन पोलर सॉल्वेंट में। नन पोलर सॉल्वेंट की विशेषता होगी या तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान या तो जीरो होगा या फिर क्या हो जाएगा, वेरी लो। तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब ये होगा कि पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, और नन पोलर सॉल्यूट क्या होंगे, ये नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। अगर जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटासियम क्लोराइड हुआ और लिथियम क्लोराइड हुआ, ये जल में क्या होंगे, अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होंगे, लेकिन नन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, इसमें जो होंगे ये क्या होंगे, अल्प मात्रा में घुलनशील होंगे। उसी तरह से आयोडीन जो होते हैं ये वाटर में क्या होंगे, अल्प मात्रा में घुलनशील होंगे, लेकिन बेंजीन हो, एल्कोहल हो, इसमें क्या होंगे, ये अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होंगे। तो जिस सॉल्यूट सॉल्वेंट में अधिक घुलनशील होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल लोअर सॉल्युबिलिटी इन नन पोलर सॉल्वेंट।
और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे इसकी लोअर सॉलिबिलिटी होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, और हायर सॉलिबिलिटी होगी किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं कि जैसे मान लो पोलर सॉल्यूट ये जो होगा हायर वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी किसमें होगा, इन पोलर सॉल्वेंट, और ये होगा लो सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लो कि ये NaCl, इसकी सॉलिबिलिटी होती है कितनी, 5.3 मोल पर लीटर इन वाटर, ठीक। और यही मान लो अगर हम लोग शुगर लेते हैं तो ये होता है 3.8 मोल पर लीटर इन वाटर। तो इसकी सॉलिबिलिटी पोलर सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में अधिक होगी जबकि नॉन पोलर में कम होगी। और दूसरा ये कह सकते हो कि नॉन पोलर सॉल्यूट इसका हो जाएगा, ये कह सकते हो हायर सॉलिबिलिटी इन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा ये कह सकते हो, सीधा यही कह सकते हो कि लोअर सॉलिबिलिटी इन क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन एल्कोहल देन बेंजीन। यह जो होगा आयोडीन हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट है, इसकी सॉलिबिलिटी जल में क्या होगी, कम होगी, और एल्कोहल में क्या होगी, ये अधिक होगी। अब ये देखते हैं कि आखिर क्यों ये संभव है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करे। अब देखो जैसे मान लो सपोज करो NaCl है, NaCl हमारा क्या होता है, पोलर सॉल्यूट है, इसको हम लोग जल में डाल देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, Na+ + Cl- + के रूप में आ जाता है। ये होता है सॉलिड स्टेट में, और जब ये घुल जाएगा तो ये हो जाएगा किसमें, सॉल्यूशन में। यानी जब सोडियम क्लोराइड जल में घुलेगा तो इनके बीच जो बंध का फॉर्मेशन होता है ये क्या होंगे, ये बंध आपस में टूटेंगे, ठीक। और ये भी सोडियम जल से जुड़ेगा और ये भी क्लोरीन क्या होंगे, ये जल से जुड़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि Na+ गैस Cl- गैस ये मिलकर NaCl सॉलिड का निर्माण करे और ये एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी को हम नाम देते हैं क्या, ये एनर्जी कहलाता है क्या, लैटिस एनर्जी कहलाता है। तो इस सोडियम क्लोराइड या पोलर सॉल्यूट के बीच जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। अब हमने किया था क्या कि देखो सोडियम क्लोराइड सॉलिड को हमने डाल दिया किसमें, जल में, तो इसका केटायन क्या होगा, जल से जुड़ेगा, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज करेगा, साथ साथ एनायन भी इसका क्या होगा, सॉल्वेटेड होगा, और ये भी एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा।
और ये जो एनर्जी रिलीज करता है इसको नाम देते हैं क्या, सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। तो अगर मान लो सॉल्वेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से अधिक हो, यानी ये आयन जल से जब सॉल्वेटेड होते हैं तो अधिक ऊर्जा क्या करें, एनर्जी रिलीज करें, और जो लैटिस एनर्जी के मान से अधिक हो तो वो क्या करेगा, आयनिक सॉल्यूट को तोड़ देगा और ये क्या होंगे, जल में या पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होंगे। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जरूरी होगा क्या होगा कि सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट ओवरकम मस्ट ओवरकम्स लैटिस एनर्जी देन एनी सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट। ये डिजॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि सॉल्वेशन एनर्जी का मान अधिक हो, लैटिस एनर्जी का मान कम हो, तभी कोई सॉल्यूट जो होंगे ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, अन्यथा ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ये कहे थे कि इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होता है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लैटिस एनर्जी के मान से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो जिसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होगा वो लैटिस एनर्जी के मान को अधिक कम करेगा, तो पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व कर जाएगा। अब अगर मान लो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होता है, कम होता है, और इसलिए सॉल्वेशन एनर्जी का मान कम होगा और वो लैटिस एनर्जी को पार नहीं कर पाएगा, और इस कारण ये पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। और दूसरा ये होता है कि ये कहे थे कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और इसके डिसॉल्व होने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनता है तो इसमें देखो तीन तरह के इंटरैक्शन होते हैं। ये इंटरैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, और इसी इंटरैक्शन के कारण नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव करते हैं, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर होता है क्या, टेम्परेचर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर होगा जिसको हम लोग नाम देंगे टेम्परेचर। देखो सामान्यतः ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हमेशा जो होगा, या ये कहो कि अधिकांश केस में इंडोथर्मिक चेंजेज होते हैं, यानी सॉल्यूशन का निर्माण करिए टेम्परेचर में क्या होगा, ये कमी होगा। या जनरल लेमन टर्म में अगर कहो तो ये हम लोग सीधा कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होंगे जिनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी जो होंगे ये घट जाएंगे। कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जिनमें सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज इसका कोई कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता। तो आखिर ये किस चीज पर डिपेंड करेंगे, तो जनरली ये होता है, ये कह सकते हो कि जनरली फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंडोथर्मिक चेंज। ये होते हैं क्या, इंडोथर्मिक चेंज होते हैं। तो ये मान लो कि अगर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इंडोथर्मिक चेंज है, अभी हमने क्या कहा था कि अगर कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वही सॉल्युबिलिटी होता है। हमने देखिए ये कहा था कि कोई भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें दो फेज होते हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और अगर मान लीजिए इंडोथर्मिक चेंज होता है
तो ये क्या होगा, ये एनर्जी क्या हो जाएंगे, ये रिलीज एब्जॉर्ब होंगे। अब इसको अगर इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस क्यू गिव्स आउट सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए ये जैसे ही इक्विलिब्रियम में आ गया, इस पर क्या करो, ये करो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल करते हैं तो के बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्यू। ठीक, अब देखिए हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्यू का मान क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यदि किसी फ्रैक्शन में डिन्यूमरेटर का मान बढ़ रहा है, प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर का मान बढ़ना चाहिए। तो न्यूमरेटर का मान बढ़ना ये इंडिकेट करेगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कब इंक्रीज होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करें, यानी सॉल्यूट जो होंगे और मात्रा में सॉल्वेंट में घुलेंगे, या ये कहो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलने लगेंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा कह सकते हैं कि यदि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इंडोथर्मिक चेंज होता है तो वैसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, ये बढ़ेगी। तो ये कह सकते हो कि एट हाई टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये कहेंगे कि हेंस सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट, सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए इसमें ये ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, पोटासियम नाइट्रेट लेते हैं ETC, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। पहला तो कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा यह भी तो हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इंडोथर्मिक चेंज नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक चेंज हो, तो यह होगा कि इफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक चेंज। तो इस स्थिति में देखो इसको हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन प्लस क्यू। लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल करो, के बराबर मोलर फ्रैक्शन, ये जो होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्यू अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा दो तो हायर टेम्परेचर, या ये कहो कि एट हाई टेम्परेचर देखिए क्या होगा, क्यू का मान बढ़ेगा, के हमारा कांस्टेंट है, तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर का मान बढ़ रहा है, प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, डिन्यूमरेटर का मान बढ़ना चाहिए। तो डिन्यूमरेटर का मान बढ़ना ये इंडिकेट करेगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो, बढ़े। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब बढ़ेंगे, जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग होंगे। तो जब ये अलग होंगे तो सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, जो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, ये कमेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो एट हायर टेम्परेचर ये क्या होता है, ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, शिफ्ट्स
टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस स्थिति में कहोगे कि सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट, ये कहोगे सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट। देखो इस कैटेगरी में आएंगे, ये होगा सीरियम सल्फेट हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर ये हो गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह के सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी तापक्रम बढ़ाने से घटेगी। कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, ये लगभग ऐसे होते हैं कि जिनके फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर कोई ऐसे सॉल्यूट हैं जिनके फॉर्मेशन ना तो एक्सोथर्मिक होते हैं और ना ही इंडोथर्मिक, तो उस स्थिति में सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जो होंगे ये ना तो इंक्रीज करेंगे और ना ही डिक्रीज करेंगे। ये हमारा आइडियल कंडीशन में संभव होता है, और आइडियल कंडीशन कोई नहीं होता, या तो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और तीसरा कंडीशन ऐसे होते हैं कि जिसमें सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं कि जैसे मान लो कोई ऐसे सॉल्यूट हैं जो एक से अधिक, ये क्या कहते हो, एक से अधिक फॉर्म में रहते हैं या एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होंगे ये जुड़े होंगे। तो इस तरह के जो सॉल्यूट होते हैं इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से ये किसी कंटिन्यूअस मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। तो तीसरा टाइप ये होता है कि सम सॉल्यूट, या ये कहो कि सम सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग विच ऑन हीटिंग एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर फ्रॉम वन पॉलीमरिक फॉर्म टू एनदर पॉलीमरिक फॉर्म और फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फॉर टू एनदर फॉर्म सॉलिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूट डज नॉट शोज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सॉलिबिलिटी ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसको किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो एक पॉलीमरिक फॉर्म से दूसरे पॉलीमरिक फॉर्म में
चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए ये होता है कि अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाए। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये हो गया Na2SO4 10H2O, इसको अगर हम हीट करें तो ये 10H2O हट जाएगा और ये हो जाएगा Na2SO4, यानी एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह के जो सॉल्यूट होते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी के चेंज का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। तो इसमें यह पाया जाता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एट 32.4 डिग्री सी एंड ऑन हायर टेम्परेचर इट डिक्रीजेस, यानी 34.4 डिग्री सी तक क्या होगा, ये बढ़ेगा और इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये जो होंगे ये घटेंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि देखो ये होगा Na2SO4 10H2O, अब इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो जब एबव ये हो जाएगा 32.4 डिग्री सी तो ये दे देगा, चेंज हो जाएगा Na2SO4 में, और जब ये हो जाए आपका क्या बिलो 32.4 डिग्री सी तो ये स्थिति होगा, यानी एबव 32.4 में सॉल्यूट हमारा क्या होगा, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट होगा, और बिलो 32.4 में क्या होगा, सॉल्यूट जो होंगे ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट होते हैं। और दोनों के सॉल्युबिलिटी में अंतर होने के कारण ये जो चीज होंगे इनके सॉल्युबिलिटी में अंतर आ जाता है। तो ये होगा कि अगर सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि अगर मान लो कोई गैसीय सॉल्यूट है तो ये किस तरह से ये लिक्विड में डिसॉल्व करता है या इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब सॉल्यूट हमारा क्या होगा, ये गैसीय होगा, तो इसको ये हेडिंग कर सकते हैं गैसीय सॉल्यूट इन लिक्विड, या ये कहो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसीय सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो इसमें गैसीय सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हम लोग कहते हैं किसको, इसको हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट एनी गैस इन ए पार्टिकुलर लिक्विड, या ये कहो कि 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। ये जो होंगे किसी 1 मिलीलीटर सॉल्यूट, या फिर इसको क्या कह लो, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसमें किस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 मिलीलीटर सॉल्वेंट या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना मिलीलीटर घुला है, यदि टेम्परेचर हमारा पार्टिकुलर ये कहो रूम टेम्परेचर हो या जो भी टेम्परेचर हो लेकिन फिक्स हो, और प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 एटमॉस्फियर होना चाहिए, ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसके भी फैक्टर हैं, अब मान लीजिए इसके फैक्टर को देखो, तो इसके फैक्टर सबसे पहला फैक्टर इसका क्या होगा, ये होगा नेचर ऑफ गैस। तो देखिए इसमें ये पाया जाता है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये कह सकते हो कि इट इज
स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए लगभग लगभग सभी गैस जल में सॉल्युबल होते हैं, अंतर ये होता है कि कुछ अधिक सॉल्युबल होंगे और कुछ कम सॉल्युबल होंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो होगा ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक प्लांट या एनिमल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो जल में घुले हुए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। यही मान लो ये हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जो होंगे ये जल में क्या होंगे, अल्प मात्रा में ही घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर मान लो HCl है, NH3 है, अमोनिया है, तो ये होता है कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर हम चलो इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि केमिकल सिमिलरिटी बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट इज द मेन काउज ऑफ सॉलिबिलिटी। इसको हम लोग कोई प्रॉपर कारण से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नॉन पोलर गैस जो होंगे ये जल में कम घुलनशील होंगे, या पोलर गैस जो होंगे ये जल में अत्यधिक घुलनशील होंगे। दूसरा होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, टेम्परेचर। तो जनरली ये पाया जाता है कि सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस सॉलिबिलिटी जो होंगे ये क्या होंगे ये डिक्रीज करेंगे। नेचुरल है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसीय मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे और सॉलिबिलिटी क्या होगा, ये घट जाएगा। और इसका कारण ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक चेंज, ये होगा एक्सोथर्मिक चेंज होता है। और अभी हमने देखा कि यदि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक चेंज होता है तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये घटता है। लेकिन इसके सब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, और इसके एक्सेप्शन ये होंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन ये होते हैं इनर्ट गैस, इसकी क्या होगी सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ये होता है क्या, ये हो जाएगा स्पेशली नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ये होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, अदर देन वाटर हो, वाटर को छोड़कर दूसरा अगर सॉल्वेंट होता है तो इसको नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये लागू होगा किसके लिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए। और एक चीज ये होता है जिसको नाम देते हैं क्या, प्रेशर कहते हैं। तीसरा फैक्टर हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, प्रेशर कहेंगे। तीसरा होगा जिसको नाम दोगे क्या, प्रेशर। तो प्रेशर में ये होता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर देखो इस तरह से इफेक्ट करता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, ये इंक्रीज
करेगा। और ये जो इफेक्ट होते हैं प्रेशर का कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी पर प्रभाव, इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, हेनरी। और इन्होंने एक नियम दिया जिसको नाम देते हो क्या, ये देते हो हेनरी लॉ कहेंगे। तो इसको हम लोग आगे हेनरी लॉ में डिस्कस करेंगे कि के तो हम जान गए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगा, लेकिन इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होता है कि कितना प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर और अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इसमें क्या रिलेशन होता है, ये डिस्फाइन कौन करता है, हेनरी लॉ। तो अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हेनरी लॉ में देखेंगे। तो ये होता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड, इस तरह से हम लोग सॉलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।